देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। किराया बढ़ाने की मांग पूरी ना होती देख यातायात महासंघ ने 13 जुलाई यानी मंगलवार के दिन एक साथ बसों को खड़ी करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में यात्री बसें बंद थी, बावजूद बसों का टैक्स वसूला जा रहा था। वहीं रोजाना बढ़ रहे तेल के दामों ने बस संचालकों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। लिहाजा यातायात महासंघ ने सरकार के सामने यात्री किराया बढ़ाने की मांग के साथ दूसरी सहूलियतें देने की अपील की थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने से संघ ने बसों को रोकने का ऐलान कर लिया है। संघ के इस फैसले से प्रदेश भर की करीब 12,000 बसों के पहिए थमेंगे, जिसमें 5,00,000 यात्री प्रभावित होंगे। सोमवार को भी संघ के पदाधिकारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना देकर यात्री किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। माननीय परिवहन मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई थी और ये भी बात हुई थी कि मुख्यमंत्री जी से जल्दी से इस विषय में टाइम मिल जाएगा। हमारी ओर से विधिवत जो बातचीत करने का जो तरीका होता है और हमने आवेदन दिया है, जैसे मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे वैसे ही ये समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है। आज हमारा ये जो चरणबद्ध आंदोलन का ये आखिरी धरना है एक दिवसीय। आज हम सारे 120 किलोमीटर के अंदर में जितने भी बस ऑपरेटर हैं आज वो इकट्ठे होकर हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि अगर आज सरकार हमारी बात को नहीं सुनती और हमारा किराया के संबंध में हमें नहीं बुलाया जाता और नहीं बात करती, तो कल से हम मजबूर हो गए अपनी बसों का अनिश्चितकालीन के लिए बसें बंद कर देंगे। और ये बसें पूरे प्रदेश में बंद रहेंगी, यात्रियों को भी असुविधा होगी, उनके लिए हम उनको खेद है हमें। बाकी हमारी मजबूरी है कि हम घर से डीजल जला के हम गाड़ियों का संचालन कैसे करें, सरकार को कहीं ना कहीं तो हमारे बारे में सोचना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।